हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग का डिमांड था कि जो बाथरूम का अंदर या किचन का अंदर जहां भी प्लम्बिंग का पॉइंट है वहां से पहले से टाइल्स का अंदर ही है वो पॉइंट, टैप लगा हुआ है या तो एंगल कक लगा हुआ है, कोई भी फिटिंग लगा हुआ है, हम वहाँ से दूसरा फिटिंग और एक निकालेंगे या वो पॉइंट को थोड़ा शिफ्ट करेंगे बिना टाइल्स तोड़े। और वहाँ पर अगर हमको दो पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा क्वालिटी अच्छा रहना, क्योंकि फ्रेंड्स टाइल्स बाथरूम में या किचन में लगने के बाद बिना तोड़े अगर हम कुछ पॉइंट लाइन चलाएंगे, CPVC लाइन चलाएंगे, फ्रेंड्स उसको थोड़ा नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, जिसके वजह से थोड़ा लुक अच्छा रहना चाहिए। और क्या क्या फिटिंग लगता है फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बताऊँगा। उसका बहुत सारी तरीका है पॉइंट से दो पॉइंट निकालना या उस पॉइंट को शिफ्ट करना, बहुत तरीका है। लेकिन हमको किस तरीके से करें तो थोड़ा टाइल्स का ऊपर है थोड़ा पाइपलाइन अच्छा दिखना, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए ये एक पॉइंट है, मैंने अभी बाथरूम का अंदर थोड़ा लाइट कम हो रहा है जिसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये बाथरूम का होने दो चाहे किचन का होने दो, ये जो पॉइंट है वो टाइल्स का ऐसे अंदर ही रहता है कभी भी। अब टैप अगर प्लांज का साथ टैप फिटिंग होता है, ये निकलने के बाद ऐसे ही रहता है वो पॉइंट। फ्रेंड्स, अगर इस पॉइंट से हमको डबल पॉइंट निकालना है या तो ये पॉइंट्स को टाइल्स का ऊपर से शिफ्ट करना है CPVC पाइप लगा के, कहीं भी पॉइंट लेके जाओ, चाहे शायद 2 फीट होने दो चाहे 5 फीट होने दो, जहाँ भी आप पॉइंट लेके जाओगे यहाँ से। फ्रेंड्स, क्या करना है, पहले हमको क्या है एक हेक्स नपल लगाना पड़ता है। ये कैसे कैसे उसको करते हैं मैं बताता हूँ आपको। पहले एक हेक्स नपल लगाना है। देखिए फ्रेंड्स कितना क्वालिटी का होता है, हेक्स नपल लगा टेफलन टब दे के टाइट करना है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, एक हम CPVC लाइन करेंगे तो हमको CPVC का ब्रास एल्बो, पॉइंट एल्बो जिसको बोलते हैं ब्रास एल्बो, फिर हमको ये जो हेक्स नपल डाला हेक्स नपल में टेफलन टब दे के इसको ब्रास एल्बो को टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फिर हमको CPVC पाइप पुश करके जहाँ भी आपको लेना है लेके जा सकते हो। फ्रेंड्स, होता क्या है, ये जो पाइप है अगर हम ब्रास एल्बो ऐसे हेक्स नपल देके टाइट करेंगे तो ये टाइल्स से थोड़ा डिस्टेंस में रहेगा, जिसकी वजह से आप क्लैंप करें तो अच्छा नहीं लगेगा, ये थोड़ा पाइप ऊपर रहेगा उसको। और एक रीज़न क्या है फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, बहुत सारी जगह में कैसे कैसे करते हैं, ये एक ट्रिक है। और एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, हेक्स नपल टाइट करने के बाद एक एल्बो डाल देते हैं, जी आई एल्बो अगर टाइट करके कहीं कहीं इस तरह भी करते हैं। फिर उसके बाद एक MTA मेल थ्रेड अडाप्टर इसको टाइट करते हैं, फिर आपको CPVC पॉइंट लेके जाते हैं। ये एक बोले तो तरीका है। फ्रेंड्स, ये सब देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, कैसे भी टाइल्स का ऊपर है, इतने सारी फिटिंग लगाए तो ये पाइप कैसे भी टाइल्स से ज़्यादा डिस्टेंस में रहेगा, क्लैंप नहीं कर सकते हो, वो आड़ा तड़ा रुकेगा। फ्रेंड्स, ये चीज़ सब नहीं करना है आपको। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, आपको ये सभी हेक्स नपल ये सभी कुछ भी नहीं लगाना है, आप सीधा पॉइंट एल्बम में क्या करना है, ये सभी कोई चीज़ नहीं चाहिए, ऐसे पॉइंट एल्बो है। आपको अगर एक पॉइंट शिफ्ट करना है तो आप सीधा आपको एक इसका नाम है MTA एल्बो, मेल थ्रेड एल्बो, ये FTA एल्बो है, इसको फीमेल थ्रेड है। देखिए ये हमारा जो पॉइंट एल्बो ब्रास एल्बो बोलते हैं ये फीमेल थ्रेड है, ये मेल थ्रेड बोले तो MTA एल्बो, मेल थ्रेड एल्बो एक ले लेना, हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। और उसको क्या करना है, पॉइंट टब में सीधा टेफलन टब इसमें देके सीधा टाइट कर देना है। फ्रेंड्स, ये टाइट कर दिया तो आपको बिल्कुल टाइल्स का लेवल में आ जाएगा। देखिए फिर अगर ये आपको टाइट करने के बाद फिर आपको डायरेक्ट पुश करके लेके फिर एक पॉइंट एल्बो यहाँ डाल सकता है, ये पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ, ये बोले तो एक पॉइंट से दूसरा जगह को आपने पॉइंट शिफ्ट किया। फ्रेंड्स, अगर वहीं पर और एक पॉइंट चाहिए, डबल पॉइंट निकालना फ्रेंड्स, पहले मैं बताता हूँ, अगर आपको डबल पॉइंट निकालना है तो उसके लिए भी रीजन है, मैं बताता हूँ कैसे करना।
उसका भी क्या है, बहुत सारी जगह में क्या करते हैं, पहले हेक्स नंबर लगाते हैं, पहले हेक्स नंबर ऐसे लगाते हैं, उसके बाद GIT लगाते हैं। टी लगाने के बाद आपको कंपलसरी MTA चाहिए चाहिए, फिर उसमें उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेक्स नंबर लगा के यहाँ एल्बो लगाते हैं, एक पॉइंट से डबल पॉइंट। देखो फ्रेंड्स ये कैसे कैसे दिख रहा है, अगर आगे टाइल्स का ऊपर हम ऐसे लगाएंगे वो कैसे दिखेगा, ऐसे ही रहेगा, टाइल्स को टच भी नहीं करेगा, दूर में रहेगा, क्योंकि हेक्स नंबर का जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रहेगा ही रहेगा और टी का भी डिस्टेंस रहेगा, जिसकी वजह से कैसे दिखेगा ये। हाँ मान लीजिए इस तरह पर कोई CBBC का एक पॉइंट लेके चला गया, यहाँ पे एक हेक्स नंबर मार के एक पॉइंट रख दिया, यहाँ पे चाहे फिटिंग टैप हो एंगल को जो भी लगा दो, तो ये कैसे दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको भी नहीं करना है। और एक ट्रिक क्या है मैं बोलता हूँ, इतना सारी फिटिंग जरूरत नहीं है, आपको एक फिटिंग लेना है, एक प्रोफेशनल नहीं लगाना है, आपको एक लगाना है मेल थ्रेड टी, मेल अडेप्टर थ्रेड, देखिए मेल थ्रेड अडेप्टर टी बोले तो MTA T, ये इस तरह का था, FTA T भी आता है, जिसको ये नहीं रहे, मेल नहीं रहता है, फीमेल रहता है, इनसाइड थ्रेड रहता है, ये आउटसाइड थ्रेड है, आपको MTA T लेना है, सीधा टेप्लन टेप देके इसको ऐसे ही टाइट कर देना है, इसको टाइट करके फिर आपको जिस तरफ भी चाहिए उस तरफ एक पॉइंट रख दो, जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, फिर आपको जहाँ भी लेके जाने के बाद फिर और एक पॉइंट रख दो। फ्रेंड्स ये क्या होता है, टाइल्स में बिल्कुल चिपका रहेगा, ऐसे ही रहेगा, फिर आपको एक क्लैंप कर दो, कितना अच्छा दिखता है, क्योंकि ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये टाइल्स का ऊपर ही करना है ये काम, अगर इनसाइड में करें तो आप कैसे भी करो वो अंदर ही रहेगा, लेकिन ऊपर अच्छा दिखने के लिए फ्रेंड्स आपको इसी तरह का बनाना पड़ेगा। अगर डबल पॉइंट चाहिए तो पास पास में, अगर पॉइंट चाहिए तो पास पास में दे दो, और जितना दूर लेके जाना है तो लेके जा सकते हो। फ्रेंड्स ये क्या है ना, आपको ये दो फिटिंग के बारे में बताया, एक मेल थ्रेड एल्बो, एक फीमेल मेल थ्रेड टी, ये दो ये सब फिटिंग मिलता है, हार्डवेयर शॉप में मिलता है, आप पूछ के ले सकते हो, थोड़ा सा आइडिया लगाना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम किसी का भी, अगर देखिए ये टाइल्स है, अगर हम टाइल्स का अंदर था पॉइंट, हम अगर ऐसे दें इसमें क्लैंप दो मार दो बस ख़त्म, वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आप जितना क्वालिटी लाओगे उतना लुक आएगा। और फिटिंग देखो कितना लगा, 1, 2, 3 फिटिंग लगा, हमने अभी GI एल्बो हेक्स नेपोल ये सभी लगाने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, ये फिटिंग मिलता है, अगर आपको हार्डवेयर शॉप में नहीं मिलता मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें परचेस कर सकते हो। ये था क्योंकि आप लोग का बहुत सारी डिमांड था कि ये जो डबल फिटिंग निकला है तो टाइल्स का फाइनल फिटिंग का ऊपर फाइनल टाइल्स होने के बाद जो पॉइंट निकालना है तो थोड़ा क्वालिटी ढंग से निकालना है, थोड़ा देखने को भी अच्छा लगना, ये फिटिंग लगता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना जरूर, लाइक तो नहीं भूलना है। आज के लिए इतना ही है।